गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो सब भाई? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज अपना नेक्स्ट टॉपिक है करियर नारू इंजीनियरिंग, जो कि मैंने इसके ऊपर एक मैनोमिक्स बनाई है ताकि आपको कंपटीशन एग्जाम में इसको आसानी से याद रखें, ताकि आपको एग्जाम में इससे हेल्प मिलती है। तो यानी टोटल 12 करियर नारू होती है और इसके ऊपर मैंने एक ट्रिक बनाई है कि इसमें से मोटर कौन सी होती है, सेंसरी कौन सी होती है और मिक्स कौन सी है। तो मैंने इसके ऊपर ट्रिक बनाई है। तो मैंने इसका हिंट यहाँ पर लिखा है, ये मैंने हिंट लिखा है यहाँ पर, मैंने इसको कैसे याद रखेंगे या इसकी ट्रिक है। तो भाई देखते हैं, मैंने लिखा है सम सम से मनी मैटर बट माई ब्रदर से डी प्लेन माई मैटर। ये एक मैंने ट्रिक बनाई है। तो यानी कुछ लोग कहते हैं कि मनी मैटर करती है, बट माई ब्रदर कहता है कि बिग ब्लेन मैंने माइंड मैटर करता है। तो इसके ऊपर एक ट्रिक बनाई है। मैंने टोटल 12 वर्ड्स लिखे हैं मैंने, और ये यहाँ पे मैंने एस को सेंसरी से डिनोट किया है, एम को मोटर से डिनोट किया है और बी को बोथ, यानी मतलब सेंसरी भी होती है और मिक्स भी होती है। ठीक है, तो अपन नेक्स्ट जस्ट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्लियर होती है ओल्फैक्टरी नर्व। ओल्फैक्टरी को मैंने सम से डिनोट किया है, जो कि सेंसरी होती है। ऑप्टिक क्लियर नर्व को सेल से डिनोट किया है, जो कि सेंसरी होती है। ओक्यूलो मोटर को मनी से डिनोट किया है, और ये मोटर क्लियर नर्व होती है। नेक्स्ट फोर्थ आती है ट्रोक्लियर, जो कि मैटर से डिनोट किया है, और ये मोटर होती है। जो कि फिफ्थ होती है ट्राइजेमाइनल, जो कि बर्ड से डिनोट किया है, और ये मिक्स होती है। मैंने आपको बताया था कि B4 यानी बोथ होती है, सेंसर भी होती है और मोटर भी होती है। तो गाइस ये बट दोनों मिक्स होती है। नेक्स्ट सिक्स होती है एब्डक्शंस को माइंड से रिप्रेजेंट किया है, और ये मोटर क्रैनियल नर्व होती है। नेक्स्ट आती है फेशियल नर्व, जो कि ब्रदर B4 बोथ सेंसरी प्लस मोटर, तो ये मिक्स क्रैनियल नर्व होती है। नेक्स्ट एट होती है वेस्टिबुलर कोक्लियर, जिसको मैंने से डिनोट किया है, और ये सेंसरी नर्व होती है। नेक्स्ट आती है 9 नंबर ग्लोसोफेरेंजियल, को मैंने बीच से डिनोट किया है, और ये मिक्स होती है B4 बोथ, यानी सेंसरी भी होगी और मोटर भी होगी। नेक्स्ट आती है 10 नंबर वेगस नर्व, जो कि ब्रिलियंट से रिप्रेजेंट किया है, और ये भी मिक्स होती है, यानी बोथ क्रैनियल नर्व होती है, सेंसर भी होती है और मोटर भी होती है। नेक्स्ट आती है 11 एसेसरी, जो कि माइंड से रिप्रेजेंट किया है, और ये मोटर क्रैनियल नर्व होती है। और लास्ट आती है हाइपोग्लोसल आती है, जो कि इसको मेटर से रिप्रेजेंट किया, और ये मोटर होती है। तो ये 12 करियर नर्व बनी है, क्योंकि सन से मनी मैटर बट माई ब्रदर से बिग ब्रिलियंट माई मैटर। ठीक है, ये मैंने एक ट्रिक बनाई है। कोई बता देता हूँ कि इसमें कौन कौन सी सेंसरी है, कौन से मोटर है और कौन से मिक्स है। तो गाइस 1 to 8 जो करियर नर्व होती है वो सेंसरी नर्व होती है। नेक्स्ट 3, 4, 6, 11, 12 करियर नर्व ये मोटर टाइप की होती है। नेक्स्ट आती है 5, 7, 9, 10 ये मिक्स क्रैनियल नर्व होती है। ठीक है, तो मैंने एक छोटी सी ट्रिक बनाई है, आई थिंक आपको पसंद भी आएगी और आप अच्छे से इसको लॉन्ग टाइम तक याद रखोगे, और ये काफ़ी यानी आगे और कुछ बताऊंगा इसके बारे में, और आप आई थिंक आपको समझ में आई होगी गाइस। थैंक यू गाइस।